वरुण धवन सीटा बेल हनी मनी नाम के वेब सीरीज से द्वारा फर्स्ट टाइम ओटीटी में काम करने जा रहा है, तो ये इसका टीजर रिलीज हुई है, तो ये मुझे कैसा लगा? देखिए, ये तो राज एंड डीके का डायरेक्शन है जिन्होंने फैमिली मैन फर्जी जैसे वेब सीरीज बनाया है, तो ये जो टीजर देख के मुझे ऐसा लगा उनकी जो वेब सीरीज का जो यूएसपी होता है वो एक थ्रिलर, एक सस्पेंस रहता है जो हमेशा दिखाई देता है थ्रू आउट द वेब सीरीज। लेकिन ये जो टीजर रिलीज हुई है ना, ये टीजर में मुझे ऐसा सस्पेंस नहीं देगा। हो सकता है कि उन लोगों अब छुपा रहा है या हिडन कर रहा है कि ट्रेलर में इसका रिवील किया जाएगा, लेकिन टीजर में बिल्कुल सस्पेंस नहीं, सिर्फ एक्शन 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 और एक्शन। सारे चीज यहाँ पे कार उड़ रहा है, यहाँ पे जंप हो रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, सामंता फिर वरुण धवन एक लड़की भी है। तो ये फॉरेन में लोकेशन में शूटिंग हुआ है, ये मैंने सुना है कि सर्बिया में शायद इसका शूटिंग हुआ है। तो सिर्फ एक्शन एक्शन और एक्शन और कुछ इसमें है ही नहीं, मतलब कहने लायक कुछ इसमें है ही नहीं, सिर्फ एक्शन देखने को मौका मिलेगा और कुछ नहीं है। पूरा मतलब पूरा थ्रू आउट ये टीजर में सिर्फ एक्शन है। हाँ, ये काफी स्टाइलिश एक्शन है और लोकेशन भी काफी अच्छा है और इसका प्रोडक्शन वैल्यू भी अच्छा है। अमेजोन प्राइम इसका प्रोड्यूसर है, तो जिन जिन एल तो होना ही अच्छा है, बिग स्केल में बना है। ये 2023 में रिलीज होने वाली सीटाडेल जो प्रियंका चोपड़ा जिसमें थी उसका इंडियन एडेप्टेशन है, तो बिल्कुल शायद वो सेम ही होगा, थोड़ा इसका इंडिया में चेंजेस तो इसमें लाएगा, लेकिन काफी एक्शन है, देख के ऐसा लगेगा कि एक एक्शन फिल्म का टीजर है, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं लग रहा है कि एक वेब सीरीज है, लेकिन देख के लग रहा है कि एक्शन फिल्म का टीजर है। मेरे ख्याल से ये शायद अगर एज ए मूवी रिलीज होती तो शायद और भी अच्छा लगता, फिर तो छोटा करना पड़ता। ऐसे तो राज एंड डीके एक ही मूवी किया है अपने कैरियर में, उसके बाद से तो वेब सीरीज ही बना रहा है, अभी वेब सीरीज ही कंटिन्यू करेगा। तो ये टीजर ठीक ठाक है, कहा जा सकती है टीजर ठीक ठाक है, और सामंता और वरुण धवन का लुक ठीक ठाक है एकदम, मतलब कुछ नया नहीं। सामंता का लुक तो कुछ नया नहीं, वरुण धवन का थोड़ा सा एग्रेशन जो है उसमें दिखा दिया। ये 7 नवंबर को रिलीज हो रही है अमेजोन प्राइम पे। ये फर्जी के बाद ये राज एंड डीके का नेक्स्ट वर्क है, तो होपफुली ये भी अच्छा रहेगा। फर्जी जैसे हिट हुई थी, या उसके बाद पहले फैमिली मैन टू के बाद सामंता फिर से राज एंड डीके के साथ काम कर रही है, इसके बाद भी और एक वेब सीरीज में वो राज एंड डीके के साथ काम कर रही है। तो ये टीजर ठीक ठाक है, चल जाएगा, ऐसे कुछ खास नहीं है, सिर्फ एक्शन है और कुछ नहीं है। एक मुझे ऐसा लगा कि ये एक्शन वेब सीरीज बनने वाली है, ऐसा और कुछ नहीं है, इसमें सस्पेंस थ्रिलर ये तो कुछ दिखाई नहीं। होपफुली ट्रेलर में शायद हम लोग और कुछ देखने का मौका मिलेगा। तो ये एज ए टीजर मुझे कुछ खास नहीं लगा और इसलिए मैं इस टीजर को 5 में से 2.5 स्टार देना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने ये टीजर देखा है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए आप लोगों को ये टीजर कैसा लगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए आप देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।